डियर स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। चैप्टर 9, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई एनवायरनमेंट? डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरनमेंट पोल्यूशन। तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या होता है, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं और एनवायरनमेंट क्या होता है, ये मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ये सबसे पहले हम मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरनमेंट पोल्यूशन। एनवायरनमेंट जनरली इंक्लूड्स रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल्स, वाटर, लैंड, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, रिवर्स, सी, प्लांट्स, फॉरेस्ट्स एट्सेट्रा। तो एनवायरनमेंट में ये चीज़ें शामिल होती हैं, ये चीज़ें इंक्लूड हैं, रॉक्स हो गए, मिनरल्स, सॉइल्स, वाटर, लैंड, वाइल्ड लाइफ, जंगली जो जानवरों की लाइफ है, क्लाइमेट इसमें आ जाता है, रिवर्स, सी, प्लांट्स वगैरह, ये तो सभी सिंपल हैं। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज नेचुरल गिफ्ट्स। एनवायरनमेंट में और भी कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे नेचुरल गिफ्ट्स हैं। नेचुरल गिफ्ट्स क्या हैं, जो हमें भगवान की तरफ से, जो कुदरत की तरफ से मिले हुए हैं। ऑल दिस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड, एनवायरनमेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नेचुरल जो आप देखते हैं, जो आपके सराउंडिंग में हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप एनवायरनमेंट का मतलब समझ गए होंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, तो देयर आर 4 मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरनमेंट पोल्यूशन। वी विल डिस्कस वन बाई वन। फर्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फर्स्ट फैक्टर है पॉपुलेशन का बढ़ना। जैसे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरनमेंट पोल्यूशन का एक मेन कारण क्या है कि तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 2nd नंबर पर इसकी पॉपुलेशन है। तो इट हैज़ बीन राइटली ऑब्जर्व्ड दैट मच ऑफ द एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड डिजर्टिफिकेशन कैन बी ट्रेस्ड टू ह्यूमन काइंड्स स्ट्रगल टू फीड ए रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब देखिए, पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या होता है, इन्वायरमेंट कैसे ख़राब हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगलों की कटाई हो रही है, डिजर्टिफिकेशन हो रही है, रेगिस्तान जैसा बन रहा है, क्योंकि लोग घरों में वुड यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, घर बनाने के लिए काम मतलब यूज़ करते हैं, बहुत से ईंधन जो है फ्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसका उपयोग और बढ़ रहा है। तो ये एक मेन कारण है पॉपुलेशन इंक्रीज़ का, एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन कर रहा है। सेकंड, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन यही हो गया कि जंगलों का कटाव हो रहा है और सॉइल इरोजन और भूमि का कटाव हो रहा है, मतलब जो एनवायरनमेंट को सेव करने में फॉरेस्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि एक तो ये है कि ये डिफॉरेस्टेशन होने से जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य दूसरी गैसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं जो हानिकारक हैं इंसान के लिए, और सॉइल इरोजन हो रहा है क्योंकि जंगलों की कटाई हो रही है और ज़मीन का बहाव हो रहा है, ज़मीन जैसे बारिशें होती हैं, एक्सेस रेन होती है, तो उससे जो है ज़मीन जो है वो आगे आगे कट ऑफ होता जाता है उसका। जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं पे जो पसियाँ पड़ रही हैं या कहीं पे ज़मीन जो है खिसक रही है, जिसके क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़मीन के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो गई है, फॉरेस्ट इतने नहीं रहे हैं। द कटिंग ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज लीड्स टू एयर पोल्यूशन, और इससे एयर पोल्यूशन बढ़ता है,
और इससे क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन से, जैसे मैंने कहा कि सॉइल इरोजन हो जाता है, तो इस तरह के जो इन्वायरमेंटल डिग्रेड होता है इससे। थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे कारखाने लगे हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है और वो इन्वायरमेंट हवा में जाता है, जो जहरीली गैसेज हैं वो शामिल हो जाती हैं हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जैसी गैसेज जो हैं वो आ जाती हैं, और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट और ख़राब हो रहा है और इसका। और फोर्थ है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये भी एक कारण बन रहा है इन्वायरमेंट पोल्यूशन का। इंक्रीज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ ए सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का ये भी एक सोर्स है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट पोल्यूशन उनको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके नोट्स आप वहाँ से देख सकते हो और लिख सकते हो, तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपको वहाँ से पीडीएफ में फाइल एक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।